झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। लाठी चार्ज के बाद मंडोला विहार में कल पहुंची डीएम साहिबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आवास विकास परिषद ने 1998 में अधिसूचना जारी की अधिग्रहण के लिए और 2011 में तमाम किसानों को 1100 रुपए पर मीटर के हिसाब से मुआवजा दे दिया। जब 1100 रुपए पर मीटर के हिसाब से मुआवजा दे दिया, जो डेवलपमेंट जमीन है जो डेवलप करके किसानों को दी जाएगी प्लॉट्स के रूप में, वो भी दी जाएगी समय पर। अब 5 साल बाद किसान 6 साल बाद फिर वही सब चीजें लेके क्यों आ गए हैं? हम भी 1998 में करार नियमावली के तहत यहाँ सब प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। फिर बीच में मनवीर तेवतिया के लीडरशिप में कुछ किसान, कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन की कि हमको एक्स्ट्रा मुआवजा चाहिए, जो आज के दिन न संविधा पे न कोई अधिनियम के तहत इनको देने के लिए कोई प्राविधान है। ये हाईकोर्ट जाके खारिज हो गया इनका एप्लीकेशन। टोटल इलीगल डिमांड लेके ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की, जिसको प्रशासन द्वारा 144 सीआरपीसी में मनवीर तेवतिया के एंट्री बैन किया, और जो स्टेट के हित के अगेंस्ट अनावश्यक इनोसेंट लोगों का प्रवोक करवा के राइट करने के लिए कोशिश करने लोगों के विरुद्ध हमने एफआईआर दर्ज की, 116 का भी कार्रवाई की। फिर 3-4 लोग जो नामजद हैं वो कंटिन्यूसली लेबरर्स को धमकी देना, गवर्नमेंट और स्टेट के खिलाफ एक्शन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसी के तहत उन्होंने आज 2-3 दिन से पलायन काफ़ी नाटक कर रहे थे, पलायन वाला, जल समाधि वाला, जब सोशल मीडिया को दुरुपयोग करते हुए प्रोवोकेशन, सब एविडेंस हमारे पास है। इनफैक्ट सब में आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुद्दा बन रहा है। हम भी किसानों से जानना चाहते हैं, सवाल वाजिब भी है, आप लोग भी खबर देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब 2011 में मुआवजा ले लिया, 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, मुआवजा लेके धरना खत्म कर दिया, फिर अब 6 साल बाद क्यों आंदोलनरत हो गए हैं? क्या ऐसी चीज हो गई है जब मुआवजा ले लिया है? दूसरी चीज डीएम साहिबा ने कही कि इस चीज को लेके, ये जब इनको मुआवजा कम मिला उसको लेके ये लोग हाईकोर्ट गए, 4 केसेस इनके हाईकोर्ट में हैं, चारों के चारों केसेस इनके निरस्त हो गए हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, और ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करके दबाव बना के महिलाओं को आगे रख के ये एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कि प्रशासन नहीं आने वाला है। तो उसी पर हम बात करते हैं, जब 2011 में मुआवजा मिल गया तो 6 साल बाद क्यों दोबारा से मूवमेंट शुरू हुआ? 2011 में जब मुआवजा दिया इन्होंने 1100 रुपये मीटर, तो हमारे बराबर में योजना है पेरिफेरल हाईवे, वहाँ 2350 रुपये मीटर मुआवजा दिया गया। हाईवे का अलग होता है हमेशा, हाईवे और जो टाउनशिप है दोनों अलग, वो जनहित में है, और हमारा यहाँ आवास विकास जो परिषद है ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, ये 23,500 रुपये मीटर से 35,500 रुपये मीटर तक ये जमीन बेच रहा है। जब ये जब वो जमीन महंगी बैठने लगा तब आप लोगों को लगा कि अब इससे कुछ और भी नहीं? नहीं, 2007 में हमने अपना आंदोलन शुरू किया, जैसे ही इन्होंने इनको शासन से मंजूरी मिली जब हमने अपना आंदोलन शुरू किया, वो चला, उसके बाद हमने 2008 में फिर दोबारा से शुरू किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे विवाद पहले थे आपके, 1998 से लेकर 2011 तक खूब विवाद थे। जब आपने मुआवजा ले लिया, करार दे दिया, भर दिया, सारी चीजें खत्म हो गई ना पिछली, फिर पिछली चीज को कैसे खड़ा कर देंगे? शासन प्रशासन में हमारी आवाज नहीं उठी, नहीं सुनने दिया, इन्होंने तोड़फोड़ की हमारे बीच में, और हम लोगों ने मन बनाया कि मुआवजा उठा लेते हैं, जैसे और योजनाओं को मुआवजा उठाने के बाद दोबारा से उनका उन पर सुनवाई होती है, और उन्हें मुआवजा दिया गया है, अभी भी मुआवजा दिया गया है, हमारे बराबर में भी दिया गया है 2350 रुपए मीटर। समझने में 6 साल क्यों लगे ये सब चीजें? आप 6 साल बाद क्यों मैदान में आए? उस समझने में ये इसलिए लगे कि इन लोगों ने जब यहाँ थोड़ा कब्जा ले लिया, जब हमें ये दिखाई दिया कि इन्होंने जब 7-17 लगा के हमारी धारा लगाई है जो इमरजेंसी की धारा है, जिसमें केवल 5 साल का समय है, 5 साल तक वो जमीन अगर अधिग्रहण करके अपने कब्जे में नहीं ले ली जाती है, सारी योजना पे काम नहीं कर लिया जाता है, तो वो निरस्त मानी जाती है। माननीय न्यायालयों ने कई योजनाएं निरस्त की है इस तरह की, कहीं ना कहीं डीएम साहिबा के इस बात को बल नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मनवीर तेवतिया आए, उन्होंने आप लोगों को वर्ग ला दिया, भड़का दिया, आप लोग तो शांत बैठे थे 6 साल से, फिर आप लोग एक्टिव हो गए। उन्होंने नहीं वर्ग लाया है, हम लोग जागरूक हुए, हमने देखा कि 5 साल से ज्यादा इस जमीन को हो चुके हैं, अब इस जमीन पे सरकार का कोई अधिकार नहीं है, जबकि न्यायालयों ने इस तरह की कई योजनाएं निरस्त की हैं और साफ आदेश किए हैं कि या तो इस अगर प्रशासन किसी भी विभाग को ये जमीन लेनी है तो नए सिरे से इसका अधिग्रहण करें जब इस जमीन को लें, और नहीं तो इस जमीन को छोड़ दें।
हम लोग भी खड़े हुए कि या तो इस जमीन को छोड़ दें और नहीं तो इसका नए सिरे से अधिग्रहण करें। तो जिस क्लॉज के तहत, यानी कि क्लॉज 17 है, धारा 17 है, उसके तहत जब अधिग्रहण किया गया उसको इमरजेंसी क्लॉज कहते हैं, और इनका कहना है उसके तहत 5 साल में पूरी जमीन को डेवलप कर देना है, पूरी जमीन को कब्जा ले लेना है, लेकिन जब वो 5 साल तक हुआ ही नहीं, इन्हें लगा कि ये तो इमरजेंसी का बहाना बना कि इमरजेंसी की आड़ में हमारे से जमीनें ले ली गई हैं और हुआ कुछ नहीं है, तो ये फिर आंदोलनरत हो गए, इनका ये कहना है। आप लोग हाईकोर्ट भी तो गए, वो 4 केसेज आपके हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निरस्त किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? जो लोग हाई कोर्ट गए हैं उन लोगों में इन्होंने उनकी मांग मुआवजे को लेकर थी, लेकिन इन लोगों ने जो आबादी के जो मुकदमे कुछ निरस्त हुए थे वहां से उनका आदेश उन मुकदमों पर चढ़वाया है। एक मुकदमा और है, उस मुकदमे में रिकॉल हुआ है जिसमें योजना भी चैलेंज है इनकी, वो 2007 से है। 4 में से सिर्फ एक मुकदमे में रिकॉल हो रहा है, एक मुकदमे में रिकॉल हुआ है और उनकी भी एप्लीकेशन लगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे डीएम कह रही हैं कि कोई संवैधानिक हक नहीं है इनको, कुछ नहीं है, जाएं तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब आपको लगा कि हाईकोर्ट से भी अब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने सोचा धरना प्रदर्शन की राजनीति शुरू कर देते हैं। देखो, ये संवैधानिक अधिकार है, यहाँ लोकतंत्र है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने संवैधानिक अधिकार में ये भी आएगा जब आपका हाईकोर्ट से डिस्चार्ज हो गया है कोई मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट। हम लोग अगर ये कह दें बिल्कुल मोटे शब्दों में कि हमारा सबसे विश्वास उठ चुका है तो हम अपनी आवाज को सांकेतिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज यहाँ दफन की जा रही है, हमारा दमन किया जा रहा है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हमारे सामने कोई अधिकारी बैठे हैं, कोई बैठे हैं जो कमेटी का गठन हुआ है, वो लोग बैठे हैं, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे। अगर हम साबित कर पाए कि हम सही हैं तो हमें दे देना, नहीं साबित कर पाए तो मत देना। नहीं, एक मुकदमा उन्होंने 420 का दर्ज किया है जिसमें दिखाया है कि किसानों को ये बोल दिया गया आपको फ्लैट दिला देंगे, सब लोग किसान इसलिए आंदोलनरत हो चुके हैं उनके साथ, वो सब क्या है? देखो, वो 420 कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा मुकदमा हम पे लगा रहे हैं, वो अपने अधिकारों को का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा अधिकार ये है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और जारी हमारा है भी। एक आरोप उनका ये है कि जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज करा है वही अब महिलाओं को लेके कभी कह रहे हैं कि प्लान कर जाएंगे, कभी कह रहे हैं जल समाधि ले लेंगे और कभी काम रोकने पे आ जा रहे हैं, ये सब चीजें कह रहे हैं। वो जो आरोप जिन लोगों पे है, मुकदमा जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है, वही लोग करेंगे प्लान करेंगे? नहीं, वही लोग ये सब करा रहे हैं जानबूझ के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे गांव का निर्णय है और हमारे जो पीड़ित किसान हैं 5-6 गांव के, उनका सबका निर्णय ही है कि जब प्रशासन हमें तंग कर रहा है तो इस गांव को रहने से क्या फायदा, इस गांव में इस मकानों को ले ले हमारे को और कहीं बाहर ही रह लेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं प्लान का नाटक, कल डीएम साहब का अगर आपने वर्जन सुना, वो कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं जम समाधि और क्या नाम है, प्लान का नाटक कर रहे हैं। नाटक नहीं किया, वो हम सच्चाई कर रहे थे। वो तो जब बसंत त्यागी बिचमन आते तो हम कर जाते, प्लान करते। यानी कि आप अपने इस आंदोलन का फेलियर मान रहे हैं, बसंत त्यागी ने उस दिन आपको रोक लिया, उन्होंने भ्रमित कर दिया हमको, रोक लिया। अगर उस दिन प्लान कर जाते तो कुछ हो जाता? प्लान हमारा विश्वास है किस बात का कि शासन प्रशासन हिल जाते इससे। हमारे संतियागी जी ने आपके पूरे उसको चौपट करा दिया, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, उन्होंने आपको गुमराह कर दिया उनके सामने। क्यों किया उन्होंने गुमराह, ऐसा क्यों किया होगा? हाँ, तो ऐसा जब उन्होंने विश्वास में लिख के और एसडीएम के सामने साहब के सामने हमारी वार्ता कराई तो एसडीएम साहब ने उसने ये कहा था कि यदि मुझे इतनी पावर है कि मैं डंडा भी चला दूं और गोली भी चलवा दूं, तो तब हमने बाद में समझा कि ये बसंत क्यों चुप रहा, इन्हें तो बोलना चाहिए था जबकि इन्हें हमने पूरी पावर दे दी थी। नहीं, वो आपकी भलाई के लिए चुप रहे कि भाई डंडा ना चल जाए, किसानों पे गोली ना चल जाए, तो उनकी पावर ही नहीं थी फिर कोई। जो पावर थी तो या कह देते मेरी कोई पावर नहीं, अन्य तो एसडीएम साहब को जब भी कहना चाहिए था कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, एक पॉइंट ये भी तो है कि उन्हीं के गांव है यार, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की तो बदनामी हो ही रही है ना? नहीं, सरकार की तो बदनामी हो रही है, जिलाध्यक्ष पे वो जिला इस मामले को कराए निपटाए ऐसे कर, जिला अध्यक्ष ने ये बात कुछ रख ली होगी हमसे, स्पष्ट नहीं किया उन्होंने, जो स्पष्ट कर देते तो हम रुकते ही नहीं, हम प्लान नहीं करते। अब एक चीज इसमें बताइए, आप लोगों ने जब अपना जो डिमांड्स रखी थी, जो आपकी वहां कमेटी गई थी, डिग्री कॉलेज के लिए प्रशासन आपको जमीन दे चुका है?
जो आपका एक मसला था वास विकास परिषद डिग्री कॉलेज के लिए जमीन है, और डीएम साहिबा ने कल एक चीज और ये भी कही, जो भी किसानों ने अपनी बातें रखी वो हमने शासन को भेज दी है, तो अब आप उन चीजों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? जब भेज ही दिया है, बात हो ही चुकी है, क्यों नहीं मान लेते उसको? पिछली डीएम ने भेजा, पिछली डीएम ने भी तो भेजा, उन्होंने आश्वासन हमें दिया, कमेटी बनी, और कमेटी बनी और उसमें एक महीने का समय दिया। कुल मिला के आपका यह है कि जो पिछली डीएम ने धरना खत्म कराया था, जो कमेटी बनी थी उससे बातचीत हो? हाँ जी, हाँ, उससे बातचीत होगी तो आप बात करेंगे, नहीं तो आप कोई बात नहीं करेंगे, क्यों? बिल्कुल जी, आप जैसा डीएम साहिबा कह रही हैं कि शासन ने जो चाहती है वार्ता करना, शासन तो लेटर भी भेज रहा, शासन कमेटी भी गठित कर रहा, हमारा भी प्रतिनिधिमंडल तैयार है, फिर दिक्कत कहाँ है? क्यों धारा 144 की जरूरत पड़ी? क्यों कमेटी प्रतिनिधिमंडल पे ही मुकदमे किए गए? नहीं, यहाँ एक जिद आप लोगों की है ना, मनवीर तेवतिया को लाइए तभी बात करेंगे। समझे नहीं, जब मनवीर तेवतिया के नेतृत्व में खुद शासन में जो सरकार है उसके नंदकिशोर गुर्जर विधायक ने खुद प्रतिनिधिमंडल तैयार करके वार्ता की है, जिलाध्यक्ष ने खुद संज्ञान लिया है, पिछले जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उन्होंने उनके नेतृत्व में ही धरना और अनशन जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, फिर आज पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मनवीर तेवतिया को जिला बदर किया गया, जबकि वो ना धरना करना चाह रहे ना वो कोई अनशन करना, वो कह रहे हैं कि मुझे बस बैठा लो वार्ता में, मैं सिद्ध करना चाहता हूं। उनके कांटे नहीं है, सींग नहीं है, फिर दिक्कत क्या है? क्या इनके पास कोई इंजीनियर नहीं है हिंदुस्तान में? अच्छा, यहाँ पे अगर ये बात आती है कि चार सदस्य जो कमेटी का गठन हुआ है बगैर मनवीर तेवतिया की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बात करने को तैयार हो? जी, हम बगैर मनवीर तेवतिया के कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका जो फ्रॉड है, इनका जो धोखा है आवास विकास का, वो उसकी कैलकुलेशन केवल एक ही आदमी जानता है, जो मनवीर तेवतिया है। इसी वजह से प्रशासन और आवास विकास घबराया हुआ है। ये सब इनके आरोप हैं कि वो गुंडा का है या वो बवाल कराता है। उन्हें पता है कि मनवीर तेवतिया को नॉलेज है, वो इनका FRA फलाना ढिमकाना कितना आवास का होता है सब कैलकुलेशन जानते हैं। इसी वजह से वो घबराए हुए हैं कि ये समझदार आदमी, इसे मत लो, किसानों को बरगला लो और इन्हें जो है कैसे भी उठा लो। पहले भी वार्ता इन्होंने दूसरे फ्रॉड लोगों से की, उसमें इन्होंने कहीं मुआवजे का जिक्र नहीं किया। आपने वार्ता का निष्कर्ष देखा होगा, 18 तारीख में जो हुई उसमें कहीं भी मुआवजे को लेकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया। इसी तरह की वार्ता ये हमसे चाहते हैं, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो इनका साफ कहना है, जो डीएम साहिबा ने कल जितने भी आरोप लगाए थे कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो लोगों को भड़का रहे हैं, इलिटरेट महिलाएं हैं उनको थोड़ा बरगला दिया जाता है, या मनवीर तेवतिया ने लोगों को भड़का रखा है, बहका रखा है, उसके बाद ये सब कर रहे हैं। दूसरा, हाईकोर्ट में इनका मामला जो चल रहा है उसको खैर ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं, पर इनका कहना है एक केस है जो रिकॉल पे हो रहा है, लेकिन वहां ये सवाल भी खड़ा होता है जब रिकॉल पे हो रहा है तो भाई धरना प्रदर्शन की राजनीति की क्या जरूरत है, फिर तो आप हाईकोर्ट का इंतजार कीजिए। और इसके अलावा और चीजों पर इन्होंने साफ कहा कि जो हमारी कमेटी गठित हुई थी जिस दिन हमारा भूख हड़ताल समाप्त हुई थी, उस कमेटी से बातचीत नहीं की गई है। बहुत ही चालाकी से 17 तारीख को धारा 144 लगा दी गई, FIR लोगों पे दर्ज कर दी गई, लोग भयभीत हो गए और ऐसे लोगों को वार्ता के लिए बुला लिया गया जो कि वहां कभी धरने पे नहीं रहे, जिनका धरने से कोई लेना देना नहीं था, जिनको कमेटी में कभी शामिल नहीं किया गया था। तो इनका साफ कहना है इनके साथ हो ये गलती रहा है, जो इनके पहलू सब निकल के आए हैं, जब धरना आपने समाप्त कराया और एक कमेटी गठित कराई, चाहे वो डीएम पिछली थी चाहे ये हैं, तो उसी कमेटी से तो बात होनी चाहिए थी, लोगों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। लाठी चार्ज आप करा दे रहे हैं और आप गोली चलाने तक की बात कर रहे हैं, ये किसान है, कोई गुंडे मवाली नहीं है कि लड़ने मरने को आप इन पे फायरिंग करें। जब इनकी एक कमेटी बनी है, आप आइए इनके बीच में बैठिए, बात करिए, ये आप ही के सब लोग हैं और ये आपसे बात करेंगे, सुनेंगे, आप आइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है, इनको समझाइए और इनको संतुष्ट कीजिए अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, और ये लोग धरना प्रदर्शन भी शायद खत्म कर दें। लेकिन जब तक इस कमेटी से बात नहीं होगी, और ये तो साफ कह रहे हैं कि मनवीर तेवतिया को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अक्रम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।